दोस्तों, आज की वीडियो हम कंटिन्यू चल रहे हैं बीए पॉलिटिकल, जो कि आपका फोर्थ सेमेस्टर है, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ही यहाँ पे लेके आऊंगी, जो कि क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसको मैं मेन मेन पॉइंट यहाँ पे, यानी कि मुख्य जो इसकी जो वाक्य है, सेंटेंसेज हैं, उनको मैंने अंडरलाइन करने के साथ साथ आपको डिटेल में समझाना भी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस को समझेगा, ताकि आप इन क्वेश्चंस को आप लर्न करें और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो यहाँ पे इसी का सेकंड क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, पहला क्वेश्चन इसमें था कि जेपी नारायण द्वारा दल रहित लोकतंत्र की स्थापना, या उसके समर्थक थे वो, कि भी उसकी स्थापना की जाए, ताकि देश में बहुत सारी चीजें हैं जो दल के कारण जो व्यवस्था खराब होती है उसको ठीक किया जा सके। यानी दल पार्टी बनना, इस तरह से आप बोल सकते हो, यानी पार्टियों का किसी तरह से जो है लोकतंत्र में न होना। दूसरा है कि ये लोकतंत्र की अच्छी व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए, संपूर्ण क्रांति संबंधी जयप्रकाश नारायण के विचार, संपूर्ण क्रांति में क्या था, इसको भी हम अंडरलाइन के थ्रू ही पढ़ेंगे। आप इन सेंटेंसेस को यहां से देख के अंडरलाइन कर सकते हो और इनको अच्छे से लर्न कर पाओगे, क्योंकि ये इजी सेंटेंसेस होने के साथ साथ वेरी शॉर्ट है और डीपली मीनिंग देने वाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें 1954 में जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, यानी कि पॉलिटिक्स से इन्होंने संन्यास लेने के बाद सर्वोदय आंदोलन के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। पर जब 1974 में उन्होंने महसूस किया कि देश की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, तब उन्होंने राजनीति में अपने रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए भीतरी प्रेरणा अनुभव हुई। यानी इन्होंने कुछ क्रिएटिविटी करने की सोची, पॉलिटिक्स में कुछ नया लाने की सोची है, जिसकी वजह से इंस्पायर, ये भी कहां से हुए, अपने आप से इंस्पायर हुए, इनके मन में ही अभिप्रेरणा आई। उनको यह अनुभव हुआ कि भारत का लोकतंत्र जो है केंद्रीकरण की स्थिति में बढ़ रहा है, और उन्होंने देखा कि भारत में नैतिकता का दिन प्रतिदिन अधिक पतन हो रहा है और राजनीतिक अवसरवादी स्वार्थी रूप धारण कर रहे हैं, और शासक दल जो है सार्वजनिक हितों के बजाय दलीय हितों, यानी अपनी पार्टी का ही भला करने में, और जो उनके ओनर्स थे, जो उनके ऊपर लीडर्स थे, उनके निजी हितों को प्राथमिकता दे रहे थे। शिक्षित भारतीय युवक दिशाहीन हो रहे थे, यानी पढ़े लिखे बेरोजगार हो रहे थे, राष्ट्रीय चरित्र का भी पतन हो रहा था। तो ये यहाँ पे आप संपूर्ण क्रांति के बारे में थोड़ी सी भूमिका यहाँ पे लिखिएगा। इसके बाद इसमें है, संपूर्ण क्रांति का आपको अर्थ बताना है, यानी भूमिका के बाद आप अर्थ बताइएगा संपूर्ण क्रांति का। नारायण की संपूर्ण क्रांति का साधारण अर्थ क्या था? भारतीय समाज और भारत की राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप में ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। किसमें परिवर्तन लाना? भारतीय समाज और उसकी राजनीतिक व्यवस्था में, जिसके द्वारा सर्वोदय का पवित्र उद्देश्य प्राप्त हो सके। जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, सर्वोदय आंदोलन, उसका जो उद्देश्य था वो प्राप्त हो सके। अब इन्होंने अपनी संपूर्ण क्रांति द्वारा सर्वोदय समाज एवं मानववादी आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने अपने आदर्श समाज को साम्यवादी समाज का भी नाम दिया है। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। इसके बाद फिर आप यहाँ आइएगा, उन्होंने प्रत्येक प्रकार की क्रांति को अधिक महत्व दिया था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया था? सात क्रांतियों को। अब ये सात क्रांति हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को अब आगे करते हैं। पहले इन्होंने जो है डिफाइन किया नैतिक आध्यात्मिक क्रांति, जो उनकी सात क्रांतियों का एक पार्ट है। इसमें उन्होंने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का संदेश दिया, यानी जब तक मनुष्य को भोजन, कपड़ा और मकान, जो ऐसी मौलिक आवश्यकताएं नहीं मिलती हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो समाज है अधूरा रहता है, समाज में व्यक्ति का विकास भी नहीं होता है, उनकी नैतिक पूर्ति या नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती है। दूसरा इसी में है, भौतिकवादी इच्छाएं मानव को अनैतिक बनाती है। कैसे बनाती है? जैसे कि धन संपत्ति या दूसरी भौतिक वस्तुएं हैं, वो अपनी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करने की कोशिश करता है, तब व्यक्ति नैतिकता से दूर और अनैतिकता के समीप आता जाता है। इसी के बारे में कोटेशन यहाँ से डालिएगा आप। इस संबंध में नारायण ने अपनी जेल डायरी में लिखा, यानी जब वो जेल में थे, मेरे मन में त्याग वाली कोई बात नहीं है, यह बात केवल आध्यात्मिकवाद के प्रशंसकों के लिए है। इसमें उन्होंने लिखा कि संपूर्ण क्रांति लाने के लिए मनुष्यों में नैतिक आध्यात्मिक क्रांति लाना जरूरी है, यानी मनुष्य को नैतिकता के आधार पर आध्यात्मिक क्रांति लाना जरूरी है, जिससे देश का, समाज का विकास हो सके। तो इसमें दूसरा पॉइंट है सैद्धांतिक और बौद्धिक क्रांति। अब सैद्धांतिक क्रांति के भी पार्ट यहाँ पे छोटे छोटे दिए हुए हैं, आप चाहें तो डिटेल में लिख सकते हैं, ये पॉइंट बनाने की भी आपको जरूरत नहीं है। सेकंड में आप जैसे हेडिंग डालोगे तो इसमें आप इनको पॉइंट्स के रूप में
डिटेल में भी दे सकते हो, वन लाइनर या टू लाइनर के रूप में। इसमें क्या कहते हैं वो, क्रांति की आवश्यकता के लिए विश्वास पैदा होना चाहिए कि क्रांति का उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाएगा और उसके स्थान पर नवीन व्यवस्था को भी लागू करेगा। तो ये इसमें आप लिख सकते हो। दूसरा, जैसे कि नवीन व्यवस्था अहिंसा और विकेंद्रीयकरण पर आधारित है, यानी नई व्यवस्था अहिंसा पर और विकेंद्रीयकरण पर, यानी कि एक डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। इसमें क्या था कि जो व्यक्ति है वो या राज्य दिन प्रतिदिन शक्ति पर अत्यधिक निर्भर हो रहा है और समाज में हिंसा का प्रयोग बढ़ रहा है। इसमें ये आप पॉइंट लिख सकते हो। थर्ड में, मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता होनी चाहिए। लोगों को अनैतिकता के वातावरण में नैतिक जीवन संभव नहीं हो पा रहा है और उसके नाम पर दलीय हितों और निजी हितों को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, जिससे लोगों ने क्या कहा है कि इसमें उनको उनकी मानसिकता को बदला तो नहीं जा सकता है, या ऐसा किया जा सकता है कि हिंसा का प्रयोग बंद कर दिया जाए। तो नारायण ने भारत में अपने मन में देश के वर्तमान स्थिति के चेतना संबंधी और उसमें स्थिति में परिवर्तन लाने की भावना पैदा करना चाहते थे, यानी लोगों में जन चेतना जागृत करना चाहते थे और स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते थे। थर्ड है इसमें सांस्कृतिक क्रांति, ये सात क्रांति मैं आपको करा रही हूँ। मूल्यों में परिवर्तन लाना। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि भारत में मानव जीवन के मूल्यों में और अपने सहयोगियों के प्रति व्यक्तियों के आम दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना आवश्यक है। यानी साथ में काम करने वाले और जीवन में जो मूल्य हैं हमारे, यानी कर्तव्य हैं, उनके प्रति परिवर्तन लाना आवश्यक है। इसमें मूल्यों में परिवर्तन में आप यह लिखेंगे। सेकंड है इसमें सर्वधर्म पर बल। उनका मानना है कि भारतीयों को यह शिक्षा देने की आवश्यकता है कि एक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान करो, एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करो। इसमें नागरिक गुणों का विकास भी दे रखा है। सत्य, प्यार, दया, अहिंसा, सभी मनुष्यों को समझना, समान समझना, पक्षपात से रहित यानी पार्शियलिटी नहीं करनी, झूठ से बचना, नशीली वस्तुओं का सेवन न करना, ये आप लिख सकते हैं। इसमें इजी क्वेश्चन है ये। सामाजिक क्रांति में पहला काम है ग्रामों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। शहरीकरण की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए, यानी कि सिटी नहीं बनानी है। एक सच्चा सर्वोदय विचारक होने के कारण ग्रामीण सभ्यता के विकास पर वो ज्यादा बल देते थे। फिर इसमें यहाँ पे इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हो। शारीरिक श्रम, यानी कि इजी जी मैं आपको करा रही हूँ। समाज पुनर्निर्माण या ग्राम का पुनर्गठन एक ही बात है, इसमें आप सेम लिख सकते हो, चाहे तो दो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। शारीरिक श्रम पर बल देते थे ये। भारतीय समाज में शारीरिक श्रम का कोई आदर नहीं था उस समय, मानसिक श्रम को अधिक आदर और महत्व मिलता था। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि एक तो शारीरिक श्रम करने वाले जो है उनको पूर्ण आदर, सॉरी, आदर दिया जाना चाहिए, और मानसिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम भी करना जरूरी है। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का अभाव, इसमें आप मेन पॉइंट लिख सकते हो। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन संपत्ति न रखे, और व्यक्तिगत संपत्ति या निजी संपत्ति में उन्होंने अंतर बताया है। व्यक्तिगत संपत्ति संपत्ति जो है उनकी, वो निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। ऐसी संपत्ति मनुष्य के शोषण का साधन नहीं बनती। और जो सामाजिक संपत्ति या निजी संपत्ति, इसमें सेकंड जो बताई गई है उसमें साधनों, उद्योगों, व्यापारिक संस्थाओं आदि का समाजीकरण कर दिया जाना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। जाति प्रथा का अंत करना, ये बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। आप इनमें से भी और इजी आपको जो लगते हैं, समझ आते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जाति प्रथा का इन्होंने अंत करने पर बल दिया, लिख सकते हो, इजी लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना भी आप लिख सकते हो। दहेज प्रथा, बाल विवाह, पुरुषों द्वारा स्त्रियों से किए गए दुर्व्यवहार आदि की संबंधी बुराइयों, नारायण पूर्ण रूप से जागरूक थे। इसमें आप संक्षेप में इसका फिर यहाँ पे छोटा सा टाइटल डाल दीजिएगा। पांचवा, इसमें शैक्षणिक क्रांति। अब दो पॉइंट बचे हैं आपके शैक्षणिक क्रांति के बाद। शैक्षणिक क्रांति में उन्होंने मौजूदा शिक्षा प्रणाली में दोष बताया और कहा कि स्वतंत्र भारत में समस्त राष्ट्रीय विकास के साथ शिक्षण प्रणाली का अधिक विकास नहीं हुआ है और इसका विकास किया जाना चाहिए। अति जो है 80% जो ग्रामीण है उनकी आवश्यकताओं को शिक्षा के द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा के प्रति अनदेखी है, जो कि यानी कि पहली से पांचवी तक की कक्षाएं हैं उनके प्रति अनदेखी की गई थी। बहुत बड़े भाग जो है उच्च शिक्षा पर खर्च करने की योजना बनाई जाती थी।
छोटी क्लासेस को, यानी कि 1 to 5 क्लासेस को यहाँ पे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, उस पर ज्यादा खर्चा नहीं होता था। वयस्क और सामाजिक शिक्षा पर बल दिया जाता है, यानी कि हर उम्र के लोग यहाँ पे पढ़ने लायक बने, उन्होंने ये यहाँ पे अपना विचार दिया था। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक क्रांति में उन्होंने क्या कहा, सहभागी लोकतंत्र की स्थापना की जाए जिसमें सभी को बोलने का, सभी को वोट डालने का और सभी को अपने कर्तव्यों या जो उसके अधिकार थे उन पर काम करने का अधिकार दिया जाए, उनके अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार उनको मिले, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो। दूसरा है राजनीतिक दलों की कार्यशीलता से उनको निराशा थी, वो चुनावों में भाग लेने से ज्यादा क्या करते थे, खर्चा करते थे और आम जनता की जो है डिमांड वो पूरी नहीं करते थे, ऐसे निर्णय नहीं लेते थे जो सर्वसम्मति से संपूर्ण किए जाए, वो ऐसे निर्णय लेते थे जो उनकी पार्टी या दल के सदस्य ही लेते थे, तो यहाँ पे आप लिख सकते थे। और उनका मानना था कि 40% मतदाता चुनाव में भाग ही नहीं लेते थे, आज भी ऐसा ही समय है। नवीन व्यवस्था संबंधी विश्वास पैदा करना चाहते थे लोगों के अंदर की भी, आप इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है सुरक्षित है और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पे की जाएगी। और सातवां पॉइंट इसमें है जो लास्ट पॉइंट है, 7 क्रांति जो 7 रेवोल्यूशन बोल सकते हो आप, उनमें लास्ट आर्थिक क्रांति में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा था, लोग धन इकट्ठा करने पर ज्यादा जोर देते थे, मनुष्य बनने पर वो जोर नहीं देते थे, उद्योगवाद पर ज्यादा उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया था। और इसमें नेक्स्ट है श्रमिक वर्ग की दयनीय स्थिति थी, यहाँ पर लोगों को लालच होता था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, समाज के प्रति उनका कोई दृष्टिकोण नहीं रह गया था। नारायण मानते थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ये यहाँ से नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अधीन श्रमिकों या मजदूरों को अपना श्रम बेचने के लिए विवश होना पड़ता था, यानी जितना काम करते थे उतने उनको पैसे मिलते थे। उन्होंने कहा कि निजी पूंजीवादी और राज्य के पूंजीवादी, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है और जो राज्य के यानी कि स्टेट कैपिटलाइजेशन है, इसमें अंतर केवल इतना था कि निजी पूंजीवाद के अधीन जो यानी कि उसके अंडर जो काम करने वाले श्रमिक मजदूर थे उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ विशेष ध्यान दिया नहीं जाता था, और राजनीतिक पूंजीवाद के अंडर काम करने वालों को थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता था, भलाई के लिए उनके खर्च किया जाता था, लेकिन दोनों ही प्रकार की अव्यवस्थाओं में अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरों की स्थिति मशीन के एक पुर्जे की भांति हो गई थी जिसमें उनके प्रति कोई भी भलाई की जो नीति है वो नहीं बनाई जाती थी। आर्थिक विकेंद्रीकरण का मतलब इसमें क्या है कि सारा का सारा जो भी धन है या शक्ति है उसका केंद्रीयकरण कर दिया गया था, और इसमें जहां तक हो सके समस्त उत्पादन व्यक्तियों के हाथों में हो, इनका विचार था उत्पादन प्रक्रिया फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि घरों में हो, जिस क्षेत्रीय इकाई के लिए लोग उत्पादन करेंगे वहां काफी सीमा तक सीमित होनी चाहिए, एक ऐसी इकाई जो एक गांव के रूप में साथ और लगते गांव के समूह के रूप में हो सकती है, यानी कोई भी एक ऐसी इकाई जो खुद गांव में हो या साथ लगते गांव को लेकर चले, वो क्या बनेगी लास्ट में, स्वनिर्भर और आत्मनिर्भर बनेगी। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाइए आप, संक्षेप में वे आर्थिक क्रांति द्वारा ऐसे विकेंद्रीकृत समाज की व्यवस्था करना चाहते थे जिसमें धन संपत्ति का विकेंद्रीकरण हो, यानी सब लोग मिलजुल कर उसका उपभोग करें, पूंजीपति और श्रमिकों की श्रेणी नहीं होगी, क्या होगी वहां पे विशाल स्तर के औद्योगिकरण की बजाय घरेलू उद्योगों का विस्तार होगा, आत्मनिर्भर गांव और गांव के समूहों की प्रारंभिक इकाइयां उसमें शामिल होंगी। आज का समय भी यही है, जॉब्स वगैरह है नौकरी जितनी भी है मैक्सिमम उनको क्या कर दिया गया है, प्राइवेट कैपिटलाइजेशन में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, बालक ज्यादा से ज्यादा जो भी मतलब बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो क्या है बेरोजगार होते जा रहे हैं, घर घर में शुरू हो गया है, आज का समय ऐसा है कि घर घर से अपने बिजनेस शुरू हो गए छोटे मोटे, तो इस तरह से ज्यादा देखिए प्रभाव बुरा है लेकिन धीरे धीरे क्या होगा देश हमारा इससे ग्रो करेगा, जब एक व्यक्ति की सैलरी वो खुद कमा सकेगा अपने ग्रो कर सकेगा देश का भी विकास होगा, हालांकि ये किसी नेता की चाल नहीं है, इसमें क्या है कि जो व्यक्ति हैं खुद ही अपने मतलब स्टैंड पे खड़े होते हैं अपने आप के या समाज के जो है विकसित करने में उनकी सहायता कर सकते हैं।